नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज हम आए हुए सुंदा माता पर्वत, जो कि जालौर में आपको पता होगा भीनमाल में पड़ता है, भीनमाल के पास में छोटा सा गांव है, और यहाँ पर हम पहुँच चुके रास्ते में और अपने बाइक से जो एक्टिवा है अपने उसी से आए थे। दो लोग हम लोग, तो साथ में कौन है उनसे भी मैं मिलवाऊँगा। बाकी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, और पीछे जो है अभी ऊपर जाना है, तो रास्ते में जो कुछ चीज़ें होंगी मैं आपको सारी कुछ दिखाऊँगा। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अगर पसंद आ जाए तो लाइक करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है ऐसे व्लॉग आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ पर वो मेन गेट है इसका, आप देख पा रहे होंगे, तो वहीं से हम जो है अंदर एंटर करेंगे और फिर आगे जो कुछ भी होता है आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो अभी आज हम लोग दो लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आप इनको जानते भी होंगे शायद, आप देख सकते हो ये है टेक्निकल सोलो, इनका चैनल आपको पता होगा, महेंद्र सिंह जी नाम है इनका, और इनके बारे में वीडियो में अपने चैनल पर भी डालते रहता हूँ, लेकिन आज ये हमारे साथ में आए। प्लान मेरे अकेले का था, लेकिन फिर इनको मैंने बताया तो ये तुरंत तैयार हो गए सारे काम छोड़ के एकदम, इनकी भी इच्छा थी। जो भी हम दोनों साथ में चल रहे हैं आगे और अंदर चलेंगे, और आगे जो भी चीज़ें होती है वहाँ पर सारी टेस्टिंग भी चल रही है, नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह चेक करें कोरोना का, तो जो भी होता है दिखाते हैं आपको, तो सीधा अपन वहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर रोप वे भी है, तो या तो ज़्यादा टाइम जाएंगे उसमें और या फिर आते टाइम जाएंगे तो बैठ के उसमें से क्या नज़र आ जाता है वो भी सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो आप जो है पूरा लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। तो चलिए अब हम चलते सीधा अंदर, टाइम भी काफ़ी हो गया, अभी जो है लगभग 1 बज चुका है, और हम सुबह जो है 9:30 बजे के आसपास घर से निकले थे। दूर काफ़ी है और बाइक से टाइम तो लगता ही, और रोड भी उतनी अच्छी नहीं है, इसके वजह से काफ़ी जो है परेशान भी हुए, लेकिन फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब हम चलते सीधा अंदर, चलिए। तो अभी अंदर आ चुका है, गेट था पीछे की तरफ, और यहाँ पर पूरा गार्डन बना हुआ है बहुत ही अच्छा, तो ये भी अपन देखेंगे अच्छे से पूरी तरह से, पहले एक बार ऊपर जाके आ जाए। और फिलहाल हम दोनों लोग हैं, और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छी बात है, नॉर्मली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, और अभी आप देखेंगे तो पूरा सुनसान है एकदम, और अच्छा भी है हमारे लिए कि हम अच्छे से वीडियो बना पाएंगे। ज़्यादा भीड़ होती है तो काफ़ी सारी परेशानी होती है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी जो है अपन अपने हिसाब से वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है मतलब काफ़ी अच्छा है, और पीछे की तरफ आप देख सकते हो इसका मेन गेट है, और यहीं से अपन अंदर जाएंगे, और अंदर ज़्यादा कुछ तो भीड़ भीड़ नहीं है, अच्छी बात है। और फिलहाल ये कुछ यहाँ का नज़ारा है, आप पीछे देख सकते हो, और बस ये बैटरी डाउन ना हो जाए फ़ोन की, बाकी सब सही है। और ये यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है, बस में इधर भोजनशाला वगैरह बनी हुई है, और बंद है फिलहाल कोरोना में। इससे पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पर, और उस टाइम पर अपन वीडियो कोई नहीं बनाते थे, ऐसे आए थे। आप कितने बार हैं? तो 4 से 5 बार। अच्छा, लेकिन इस तरह पहली बार। और सुविधा अच्छी है यहाँ पर, देखो ऊपर छाया के लिए भी बना हुआ है, तो इतनी परेशानी होती नहीं है, और अभी कोई गर्मी का मौसम भी नहीं है, तो यहाँ पर टैटू बना सकते। हाँ ये भी सही है, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन काफी लोग बनवाते हैं। सही भी नहीं, ये देख लो यहाँ पर रोप वे, आधे टाइम इसमें आएंगे और आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे जैसा भी होगा। और ये शायद आपको पता है कि नहीं, लेकिन ये जो रोप वे अपने राजस्थान का पहला रोप वे यहाँ पर था ये, और इसके बाद में तो कहीं और बने होंगे, लेकिन ये पहला रोप वे जो है यहीं पे बना था, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लगभग 100 रुपये के आसपास या फिर 80 रुपये के आसपास टिकट है, तो इसको भी ज़रूर देखेंगे आते टाइम। तो वह सब चढ़ाई जो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है, सांस फूल रही है, तो देखते हैं जल्दी से ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पर कुछ और होता है तो आपको दिखाते हैं, और बीच में कोई और भी चीज़ें अगर हुई ऐसी तो आपको दिखाएंगे। अभी बहुत मुश्किल चढ़ाई,
और हम थोड़ा जल्दी में भी है तो जल्दी जल्दी चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर साइड में जो है झरना भी चालू है, तो काफ़ी अच्छी बात है। पानी ऊपर से आ रहा है और पूरा ऊपर से ये रोप वे तो कि अलग ही खूबसूरती दिखा रहा है। और पीछे साइड में आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर आ चुके हम लोग। और यहाँ पर मंदिर भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। साइड में ये झरना पानी बह रहा है, ऊपर से प्राकृतिक नज़ारा कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है। ये साइड में पानी और यहाँ से सीढ़ियाँ, ऊपर से ये रोप वे, अलग ही नज़ारा है। और यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरे रास्ते में खाने का सब सामान मिल जाता है, खाने पीने का। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ लेकर नहीं आते हो तो आपको परेशानी होगी। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया झरना आप देख सकते हो, ये वाला पानी यहाँ से निकल के पूरा इस रास्ते के पास पास में नीचे जाता है। और यहाँ पर पीछे की साइड में वही छोटी मोटी दुकानें, मतलब यहाँ पर जो है आना जाना लोगों का लगा रहता है, तो ऐसे अपने को लगता नहीं है कि ज़्यादा ऊंचा या ज़्यादा दूर है, अपन आराम से चल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ, कितना आधा हो गया कि नहीं पूरा पूरा हो गया ना, जल्दी हो गया आज तो। मैं सोच रहा था कि रुकड़ा नहीं है, बीच में डायरेक्ट आएंगे, और वैसे उतना लगा भी नहीं इस बार तो कैमरे के चक्कर में। और यहाँ पर ये चना मसाला वगैरह भेल वगैरह। तो ये है मेन इस रोपवे का स्टेशन, और यहाँ से इसकी एंट्री है। और डाउन जाने का 100 रुपये यहाँ पर लिखे हुए आप देख सकते हो वन वे का, और अप डाउन का 110 या 120 ही है। तो जो भी देख लो आप, बाकी एक बार तो आपको पैदल भी आना चाहिए, ये एक्सपीरियंस भी अलग ही है, काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी लोग आते हैं और बंदर बंदर भी देखने को मिल जाते हैं। और बाकी ये बंदरों का ही राज है यहाँ पे, इधर वो सारे बिखेर दिए सारे बंदरों ने। आगे मेन मंदिर पर आ जाएगा, देखते कहाँ कहाँ पे शूटिंग अलाउ है, उसके हिसाब से ध्यान से थोड़ा बहुत शूट करेंगे जो भी हो पाएगा, और फिर जल्दी निकलेंगे। क्योंकि यहाँ से हमारे घर की अगर दूरी देखा तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास तो है ही है, मैंने कन्फर्म देखा नहीं, गूगल मैप में कुछ 100 के आसपास दिखा रहा था। अभी हम तो एक दो रास्ते भटक भी गए थे, तो घूमते घूमते आए तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो गया होगा, लेकिन जो भी है फाइनली पहुंच चुके हैं। और 100 किलोमीटर जाने में कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगेंगे, तो टाइम से निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है, रात में रुकने की भी पूरी व्यवस्था है, आप आराम से रुक सकते हो, बहुत सारी सुविधा, बिस्तर लेकर रह सकते हो, रूम भी मिल जाएंगे आपको, और खाने पीने के तो मतलब अच्छे खासे ऑप्शन है। 10 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हो, और क्या चाहिए, इतना अच्छा नज़ारा, खाना पीना और ये प्राकृतिक माहौल। और यहाँ पर अभी भी कुछ कुछ जो है दुकानें सेटअप हो रही है, और ये धर्मशाला वगैरह यहाँ पर बनी हुई है, अलग अलग समाज के हिसाब से अलग अलग है, मतलब सभी लोग यहाँ पर जो है अच्छे से रह सकते हैं और अपना टाइम बिता सकते हैं। हम पहुँच ही गए आगे जो है मंदिर, और मुझे उम्मीद है कि मंदिर में हमें वीडियो बनाने नहीं दिया जाएगा, तो जो भी होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर फोटो वोटो आप खिंचवा सकते हो शेर के साथ, देखो बड़े बड़े शेर, और मतलब उतना इंटरेस्ट है नहीं फोटो खिंचवाने लोगों, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, सभी लोग खींच लेते अपने से। और यहाँ पर ये बंदरों की मौज है, बस और कुछ नहीं। अब ये भी सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से इंसान पता नहीं कहाँ थे,
लगभग 6-7 महीने का लॉकडाउन था, तब तो इनको शायद खाने पीने में भी काफ़ी परेशानी होती होगी, लेकिन फिलहाल दोबारा से इनको भी इंसान देखने को मिल गए तो इनको भी इनकी खुराक मिल ही रही है। बाकी ये जो छोटे मोटे दुकानें हैं ये पूरे रास्ते भर में थी, आपने देखी। और यहाँ पर जो है दोनों तरफ पहाड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये जो पूरा रास्ता बनाया गया ये भी पहाड़ को काट के बना गया। और ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, अब देख सकते हैं ये वहाँ पर ये रेत का दौरा है, इसके बारे में भी काफ़ी लोग बात करते हैं जब यहाँ पर आते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है। तो देखते हैं टाइम रहा तो वहाँ पर भी जाएंगे। और गर्मी काफ़ी वैसे है नहीं उतनी, लेकिन चलने की वजह से ज़्यादा लग रही है, तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। सोच के तो बहुत कुछ आए थे, लेकिन जो भी कर पाएंगे जितना हो सके उतना ही करेंगे। तो ये पीछे ये था मंदिर, वहाँ पर फ़ोटो वोटो अलाउ नहीं थे तो हमने कुछ ज़्यादा खींचा नहीं। और ये एक बहुत बड़ा त्रिशूल बना हुआ है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा है मतलब। और ये दान पात्र वगैरह यहाँ पर बने हुए जो कि आप देख सकते हो। और बाकी कुछ ज़्यादा देखने लायक तो ये कुछ है त्रिशूल। और सफाई हुआ भी अभी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा लोग भी नहीं है, प्लस सुविधा भी अच्छी है। और ये वो काउंटर और यहाँ से ये बाहर जाने का रास्ता है। और ये त्रिशूल को थोड़ा सा करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये है उधर आगे त्रिशूल, तो यहाँ पर ये त्रिशूल बना हुआ है, इसके पास में कुछ फ़ोटो वोटो खींचते हैं। और बाकी नीचे की साइड में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर जो है बिस्तर भंडार हो गए और रुकने की ठहरने की जगह, खाने पीने की जगह। और अभी जो प्रसाद वगैरह चढ़ाने का वो वहाँ पर कर रखा है, पहले यहाँ पर ऊपरी कहीं हुआ करता था, यहीं कहीं त्रिशूल के पास में। तो अभी जो है ये कुछ कोरोना को देखते हुए भी चीज़ें की जा रही है, पहले ये यहाँ पर नारियल कुंड हुआ करता था, यहाँ पर नारियल चढ़ाए जाते थे। और ये है तो त्रिशूल, आप देख सकते हो, मतलब ये मेटल का नहीं है, ऐसे बनाया गया और उसके ऊपर जो है कलर किया गया है। कुछ लोगों को लगता है कि मेटल का है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ से ये कुछ इस तरह से। और ये हमारे महेंद्र सिंह जी। और ऊपर आते आते गर्मी जो है काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी टाइम से आगे लगभग जो है 1:30 बज चुका है, टाइम काफ़ी है अभी भी। तो जो कुछ भी यहाँ पर कर पाते और कुछ करेंगे, काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पर कुछ फ़ोटो वोटो खींचते हैं और इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्प्ले पे दिख रही है तो आप फॉलो कर सकते हो। तो अभी ऊपर से दर्शन वगैरह करके आ गए हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि इतना अच्छे से दर्शन हो जाए, लेकिन अच्छा रहा इस टाइम पर आए। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, जब ऐसे जगह पर भीड़ ना हो तो कुछ मज़े भी नहीं है, और एक तरह से देखे तो ठीक है, भीड़ नहीं है तो भी मतलब मिला जुला अनुभव है। और पीछे बस ये इतने ही कुछ लोग देखने को है, बस और कुछ नहीं है। आगे क्या है, क्या आगे और भोजनशाला बंदे वो भी काम निपटा लेते हैं। और ये टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ दुकान है, नीचे तो मैंने आपको दिखाया था, बाकी ये हम दोनों ही, और कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर ज़्यादा। ये गार्डन टाइप बना हुआ है, लेकिन अंदर जा सकते हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और वो जो मैं आपको रेत का दौरा कह रहा था, वो ऊपर है वहाँ पर रेत का टीला, कोशिश करते देखते जा पाते कि नहीं, ऊपर काफ़ी है। ये ऊपर नहीं जाना, रहने देते बैठ जाएंगे आराम से। और तो आगे नदी में
तो अभी जो है मेरे फ़ोन की बैटरी लगभग 3% बची हुई है, तो इससे आगे का जो छूट होगा अपन किसी और मोबाइल से करेंगे, तो देखते हैं। बाकी फ़िलहाल ये जो है बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये विष्णु भगवान का मंदिर था और ये मंदिर से नीचे जाने का रास्ता है हम दोनों साथ में, और जो आगे शूट होगा वो इन्हीं के मोबाइल से अपन करते हैं, देखते हैं कि क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है। और बाकी ये कुछ नज़ारे, थोड़ा बहुत चार्ज बचा है इसको बचा के रखते हैं। ये वापस शेर आ गए और ऊपर लगभग 1-1.5 घंटा बिता के हम नीचे चल रहे हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं, हमने सोचा था कि खाना वाना ऊपर ही करेंगे, भोजनशाला खुली होगी, लेकिन चालू नहीं थी, तो नीचे चलते हैं क्योंकि सुबह सुबह जल्दी आ गए थे और कोई ऐसी प्लानिंग थी नहीं कि कहाँ पे। बीच में रास्ते में भी एकदम पूरा नॉन स्टॉप आए थे, तो वही है। और ऊपर मतलब ऐसा है कि उतनी भीड़ जो हमेशा रहती है वो नहीं है, जिसकी वजह से उतना मतलब टाइम भी जाने का मतलब टाइम लगा ही नहीं। जल्दी से दर्शन भी हो गए फटाफट और फिर जो है जल्दी से हम वापस भी आ गए, ज़्यादा कुछ था नहीं देखने के लिए एक त्रिशूल के अलावा। तो अभी फिर नीचे जा रहे हैं, नीचे कुछ भोजनशाला वगैरह देखेंगे, वहाँ पर कुछ अच्छा सा भोजन करेंगे और फिर टाइम से निकल जाएंगे। बाकी यहाँ से रोप वे आगे जो उसका स्टेशन आ गया वहाँ पर, तो रोप वे में जाएंगे तो वो वाला नज़र आपको दिखाएंगे, वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अभी भी बहुत कुछ देखने के लिए है। और यहाँ पर ये प्रसाद वरसाद की दुकानें लगी हुई है, लेकिन तो हम जैसे आते हैं उनको प्रसाद वरसाद में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है। अभी आपको रोप वे में बैठ के दिखाते हैं, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है और शायद आपके भी ना, पहली बार है ना, तो देखते हैं। और कहाँ बैठे? अच्छा, मतलब अपने यहाँ का तो पहली बार है ना, ठीक है। और ये बेल वगैरह है, लेकिन सुबह से भूख है तो कोई अच्छा सा ही खाना खाएंगे, इन ऐसे ही कोई खाने से मतलब है नहीं। और यहाँ से ये रोप वे का काउंटर है, टिकट मिल रहा है, टिकट नहीं। यहाँ पर ये काउंटर है रोप वे का, यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपये लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ और रेट लिखी हुई है आप देख सकते हो, रोप वे का टाइम ही वगैरह दिया हुआ आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर दो टिकट, यहाँ पर हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाते ही ये कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का पूरा। और यहाँ पर ये ट्रॉले लगे हुए हैं, ये टिकट है दोनों का है ना, दोनों दो वाले। अच्छा ठीक है, 200 का टिकट है और ये पर्सनल गाड़ी है ना हमारी, ठीक है, ये भी अच्छा है। आगे आगे पर बैठ गए हम लोग अंदर, इन्होंने बिठा दिया और ये यहाँ से धक्का मार के निकाल दिया है बाहर। और ये पीछे का नज़ारा है और यहाँ पर महेंद्र सिंह जी बैठे हुए, अब देखते कि अच्छा कुछ रहता है, कितना टाइम लगता है। ये कुछ है हंसे डाउन थे जी सेटिंग में, हंसे डाउन अच्छा जोरदार को पर्सनल डिलीवरी, हाँ इस टाइम आने का यही तो फायदा है ना, पर्सनल पूरा, हम कोई नहीं और देख लिया, पूरी ये वाला खाली है। और ऐसी कुछ इच्छा थी कि यार अच्छे से, मतलब कोई और हो तो फिर किसी को डिस्टर्ब करना क्या मतलब, लेकिन अब सही है। और ये टिकट रख लेते हैं अंदर, कहीं वहाँ उतरने नहीं दिया तो बिना टिकट के कैसे आ गए। तो ये, और ये यहाँ का नज़ारा नीचे की तरफ, इस तरफ पहाड़ है और ये भी जो है आप देख सकते हो, अगर रास्ता है बिल्कुल रास्ते के पास पास में ही निकालेंगे। और वहाँ पर था इसका स्टेशन जहाँ से हम आए, ऐसे पिलरों के ऊपर ये बनाए हुए हैं और वैसे भी आवाज़ आ रही है ना, बहुत मस्त है। और हम लोग गए थे रास्ता है नीचे, और फिलहाल जो यहाँ पर हवा आपको जो है बहुत तेज़ है, तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही हो। फिलहाल के लिए तो माइक वगैरह कुछ है नहीं, डायरेक्ट मोबाइल के माइक से ही
रिकॉर्ड हो रही है, जो भी है देख लो। बाकी आगे कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें और अपग्रेड करें, बाकी फिलहाल यही कुछ है। और नीचे काफ़ी गहराई है, आप देख पाओगे तो यही जगह कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। मैं बैक कैमरा से आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, बाकी यहाँ तो हम दोनों ही और कोई है नहीं देखने के लिए, तो बैक कैमरे से देखते हैं। कुछ इस तरह सीट है, दो लोग यहाँ पर और दो लोग यहाँ पर, चार लोग बैठ सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। मतलब वही है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इधर उधर हाथ नहीं निकालने हैं, और ये चीज़ ज़रूरी भी है, और सबको पता ही अपने सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही है। और यहाँ पर जो है मतलब एक आने का रास्ता है शायद और एक जाने का है, तो यहाँ से जो है ये ट्रॉली एक आगे है नीचे से, और यहाँ से जो है आप देखेंगे तो ये पूरा है, और साइड में पूरा पहाड़ है ऊपर ऊपर तक, और हवा तो आपको आ ही रही होगी कि दूसरा वाला खंबा आ गया। यहाँ से नीचे का सब क्या नज़ारा, यहाँ से बहुत शानदार। ये नीचे रास्ता है जहाँ से हम आते टाइम आए थे, और जाते टाइम रोप वे से, ये भी अलग अच्छा अनुभव है। और नीचे आप देखेंगे तो पार्किंग कहाँ गई, वो वहाँ पर दो पार्किंग दिख रही है आपको, वहाँ पर हमने बाइक वाइक रखी थी, शायद आपको दिख रही है कि नहीं। और नीचे उतना भी मतलब वो होता है ना कि ज़्यादा गहरा नहीं है, ठीक ठाक है। स्टेशन और नीचे आ गए हम लोग, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, आवाज कर दी अंदर अंदर। ये पूरा इसका जो मशीन वगैरह लगा हुआ है, ये लग रहा है कि आपको आवाज़ तो बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं, 5-10 मिनट का रास्ता था बस, तो इतने से के लिए 100 रुपये ज़्यादा है नहीं लग रहे इतने के लिए 100 रुपये ज़्यादा ही है ना, क्योंकि नहीं लगे उतना था ही नहीं, मतलब हाइट भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, नॉर्मल था। और 100 रुपये एक शायद दो बार का है ना, वो ज़्यादा नहीं है, अगर अपन रिटर्न का लेना तो 120 या 130 में ही आता है, हाँ तो 150 होगा, और ऐसे जो है 100 रुपये में अपना काम हो गया। कोई बात नहीं, अच्छा है, अनुभव ठीक था, पहली बार था, तो क्या है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पर हैं तो इनका अनुभव लेना भी ज़रूरी है, कभी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए वो बड़ी बात नहीं है। और फिलहाल हम जो पूरी तरह से नीचे आ गए, और यहाँ पर अच्छा गार्डन है, वहाँ पर अपन जो है फोटोज़ वगैरह लेंगे अच्छे अच्छे, और उनको डालेंगे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम आईडी जो है आपको डिस्प्ले पर कहीं ना कहीं मिली जाएगी, उसको जाकर फॉलो कर सकते हो आप लोग। अगर यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बनाया गया, आगे भी है ना, वहीं बाहर चल जाते हैं पहले। ये पूरा जो है अपन नीचे आ गए, यहाँ से ये गेट है इसका, ये मेन गेट है, इससे अपन बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर साइड साइड में जो है काफ़ी बढ़िया ये बनाया गया, अच्छा वहाँ से, अच्छा बाहर जाने का वहाँ से, कोई बात नहीं। ये इसके बाहर आने का गेट है, हम गलत जा रहे थे वहाँ पे, वो एंट्री का लगे और बाहर आने का लगे। अब वो उस टाइम पर इसलिए फॉलो की जाती थी कि भाई भीड़ ज़्यादा होती थी तो एक रास्ते से बाहर आओ एक रास्ते से अंदर आओ, अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर पूरा गार्डन आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा बनाया गया, फ़ोटो के लिए सबसे अच्छी लोकेशन है, आपको अंदर ऐसा कोई खास जगह मिलेगी नहीं जहाँ पर आप फ़ोटो ले पाओ, लेकिन आप जो है यहाँ पर अच्छी खासी फ़ोटो निकाल सकते हो। तो कोशिश करेंगे, वैसे दोपहर बीत चुकी है, शाम का टाइम है, तो अभी लाइटिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी है, ठीक ठाक है, तो उसके हिसाब से अपन फ़ोटो निकालेंगे। बाकी यहाँ पर सब कुछ अच्छे से कपल वगैरह फ़ोटो निकालते हैं, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी जगह अच्छी है, और ये बिल्कुल हम इसके सेंटर पॉइंट में जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है कुछ कुछ लोकेशन देखते हैं और वहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं, और फिर आपको फ़ोटो किसी न किसी तरीके से मिली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर फ़ोटो वोटो भी खींच ली है, और ये यहाँ का पूरा नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा नज़ारा। और ये मेन गेट है इसका जहाँ से अपन बाहर निकल जाएंगे, वहाँ पर कुछ छोटी मोटी नॉर्मल चेकिंग हो रही है हमारी भी निकली, लेकिन इतना कुछ खास है नहीं, बस वो फॉर्मेलिटी आप कह सकते हो। तो फिर यहाँ से निकलेंगे, और फिर आगे रास्ते में और कुछ चीज़ें होती है, फिलहाल तो खाना खाना जाके तो आगे आपको दिखाते, बाकी यहाँ पर इतना ही था। तो अभी भी जो बढ़ रही है कुछ चीज़ें और है, वो भी आपको दिखाता हूँ।
बस ये पीछे पर्वत है और ये मेन गेट था, बाहर निकल गए हैं अच्छे से। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम हो रहा है लगभग, कितना टाइम हो गया, 2:49 मतलब 2:50 हुए, 3 बज गए लगभग। यहीं से हमने वीडियो शुरू किया था और पार्किंग थोड़ी सी आगे जहाँ पर हमने अपनी एक्टिवा पार्क की है, और यहाँ पर कुछ सामान लेके आ गए। क्या लाए? बाकी तो खा वाला मूँगफली, मूँगफली आ गई हमारी। तो ये थी वो रसीद, आप देख सकते हो जिसमें निःशुल्क लिखा हुआ है, गाड़ी नंबर लिख के हमें जो रसीद दे दी थी, और गाड़ी हमने जो है वहाँ पर उधर पार्क कर दिए। तो मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, फिर रसीद दे के अपन यहाँ से निकलेंगे। और जो हमारे साथ महेंद्र सिंह जी थे वो बाहर ही खड़े हुए वहाँ पे, और वहाँ पर जो है हमारी एक्टिवा आपको दिखाता हूँ करीब से। काफ़ी टाइम तक अकेला चढ़ाया, और वैसे इतना दूर में शायद दोबारा लेके आया हूँ। एक बार हम लोग पाली गए थे और ये दूसरी बार है। यहाँ पर हम लोग सुंदा माता, ये अपनी एक्टिवा आप देख सकते हो, इसके हेलमेट मैंने यहाँ पर ऐसे अटकाया था, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो मतलब एक ट्रिक लगाई थी, क्योंकि ज़रूरी था हेलमेट लेके का घूमते, और यहाँ पर रख नहीं सकते, और वहाँ पर जो गार्ड वगैरह थे वो भी रख नहीं रहे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। तो मैं आपको दिखा तो मैंने कैसे रखा है इसको। ये अपनी एक्टिव आप देख सकते हो, और इस पर ये मैंने जो है ये हेलमेट लगा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीट के अंदर मैंने अटका दिया है, ये चाबी इसकी अपन लगाते हैं यहाँ पर, और फिर जो है सीट ओपन करते हैं। आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक जो आपको मिलता है, यहाँ पर नॉब आप देख पाएंगे, ये इसमें मैंने इसको जो अटका दिया था, ये वाला ऐसा कुछ मिलता है। ये हेलमेट जो हमारा बाहर निकाल दिया, ये हमारी कुछ कपड़े वपड़े थे वो मैंने अंदर रख दिए, इनको वापस पहन लेता हूँ मैं जल्दी से। तो अभी मैं फटाफट से जो ये उड़ी थी अपने साथ में पहन लेता है, क्योंकि धूल वूल भी उड़ेगी रास्ते में, तो मैं इसको पहन लेता हूँ। और ये वाला बैग जो है इसको अपन डिक्की में रख लेंगे। तो अभी हम बिल्कुल तैयार है जाने के लिए, बिल्कुल हेलमेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि बाहर ही कुछ आगे चलकर खाना वाना खाएंगे तो बार बार इसको पहनना निकालना, बाल वाल भी थोड़े जो है ख़राब हो जाते हैं, तो वैसे ख़राब तो हो ही रखे, ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर जब निकलते चाबी लगा दी मैंने, इसको स्टार्ट करते और बाहर चलते हैं। तो अभी जो है हम बैठे हुए होटल कृष्णा पैलेस करके जगह, जस्ट गेट के बाहर ही सुंदर माता का जो गेट है, मेन जो मेन गेट है वहाँ पर। अब सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो नीचे जाकर, वैसे यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है ऑप्शन, लेकिन ठीक है जो भी है, कि नीचे जाते टाइम लगता है, जालौर जाने में लगभग जो है घंटे 2 घंटे का टाइम लगता है, उतना लेट करके कोई मतलब है नहीं, तो यहीं पे खाना खा रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, अभी इसका मेन्यू है, और ये कृष्णा पैलेस करके होटल है, और यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से ये पूरा आप देख सकते हो। और ये जस्ट सामने जो मेन गेट इसका आप देख पा रहे हैं, यही वाला मेन गेट इसका, ये वाला इसके जस्ट बाहर ही है ये, और ये कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। तो जल्दी से यहाँ पर खाना खाते हैं और फिर जो है निकलते हैं। अभी जो है हमने यहाँ पर खाना तो खा लिया है, लेकिन कुछ दिक्कत है, देखो आप देख सकते हो, ये जो है मतलब ज़्यादा खा ही नहीं पाए, पूरा बचा हुआ है, इतना टेस्ट बिल्कुल ये बहुत खराब टेस्ट अंकल से। ये जो रायता था ये ही खाया हमने, बाकी पूरी सब्जी पड़ी हुई है, क्योंकि टेस्ट ही बना, देख लो इसका जो है ये पनीर का कलर वगैरह सब कुछ, और पानी पी के और पूरा टेस्ट खराब कर दिया है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था इसका। तो अगर आप यहाँ पर आए तो कम से कम इस जगह पर तो ना आए, बाकी देख लो कहीं और, क्योंकि थोड़ी भूख कंट्रोल करके नीचे जाके खा लो तो ये अच्छा है। बाकी कुछ सारा वेस्ट करना नहीं चाहते, लेकिन करे क्या, मतलब बहुत ख़राब चीज़ है, और सेहत ख़राब करने से अच्छा है कि इसको छोड़ दें यहीं पर। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे और अच्छा सा खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है मेन गेट सुंदर माता मंदिर में जाने का, और इसके जस्ट पास में ये है वो होटल, आप देख सकते हो नाम वगैरह, तो वैसा है ना, मतलब इतना घटिया खाना, मैं आपको क्या बताऊँ, खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैसा एक जो आप पैसा ले रहे हो उसका मतलब, पनीर की सब्जी थी, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था, पनीर इतना पुराना था क्या था, तो हमने बिल्कुल भी नहीं खाया उसको, ऐसे छोड़ दिया और पैसे देख दिए, और फिर जो अपना आ रहे, और अभी जो है इसी का सहारा है बस।
नीचे जाएंगे, देखते फिर वहाँ कुछ अगर मिलता है, नहीं तो जालौर तो है ही अपना, जालौर में सब कुछ सही है। तो ये कि यहाँ से जालौर काफ़ी दूर है, 70 से 80 किलोमीटर है अभी। बाकी ये कि थोड़ा बहुत खाली है तो वहाँ तक तो जा पाएंगे, 2-2.5 घंटे लगने, और टाइम जो है कितना हो गया, 3:37। कुछ था बस आज के इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी। तो बस दोस्तों फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना हमेशा की तरह, और ऐसे ही और वीडियो अगर आप चाहते हो जालौर में बहुत सारी जगह देखने के लिए, तो फिर जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम टाइम टू टाइम जाते रहेंगे। और साथ ही आप जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है आगे जालौर में कौन सी लोकेशन की वीडियो चाहिए, लोकेशन बहुत सारी है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और नई लोकेशन के साथ में, किसी और नई जानकारी के साथ में। जानकारी तो बहुत सारी मैंने आपको दी है, बाकी मेन ये कि व्लॉग होता है ऐसे ही टाइम पास के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो हमने जो है देखा समझा, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर।